देखो। अरे हाँ, और वो गाड़ी की और गांव तक की निकाली या नहीं? जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। बड़ी बहू, बहू कहाँ हो तुम? आई माता जी। अरे वहाँ क्या कर रही हो? जाओ नौकरों को समझाओ, सारे काम ठीक करें, मेहमानों को शिकायत ना बोले पाए। जाओ माता जी, माता जी, आपका छोटा बेटा और बहू गुलबर्गे से आ गए। अब तो आपको एक बार आ गया कि मैंने मंजिले को तार भेजा है। माता जी, जी देखो मेरे बेटे, खैरियत तो है गुलबर्गे में? जी हाँ माता जी, गुलबर्गा जहाँ पर था वहीं पर है। आप स्वामी उसे लगान भी वसूल हो रहा है। मैं भी ठीक हूँ। जीते रहो मेरे बेटे। मगर आपकी बहू है? क्या हुआ बहू को? कहते कहते रुक क्यों गए? अब तो मेरी आंखें मंजिले को ढूंढ रही हैं। भगवान करे वो भी आ जाए तो दिल को इत्मीनान हो। लो भाई दुर्गा, हमें तुम्हें देखकर माताजी को इत्मीनान नहीं होता। इन्हें तो हर वक्त राजन ही की बेचैनी रहती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं संकटा, तुम सभी मेरे लाल हो, लेकिन तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहे। और उसकी जवानी परदेश में आ गई। कॉलेज में साल भर के बाद छुट्टी होती है तो बेचारा आ जाता है महीने भर को, लेकिन इस साल तो इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे रहा है ना। माता जी आखिर इतना पढ़ने की भी क्या जरूरत है? अरे भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ना राजन प्रसाद। ओ ये उधर से इधर किसके हुक्म से रखा गया? बड़े साहब ने हुक्म दिया था, आज सालगिरह का जलसा है, मेहमान आ रहे हैं। बड़े साहब का बच्चा, जब तक हम जिंदा हैं इस घर में कोई साहब नहीं। याद रखो, अगर आज से हमारी मर्जी के बगैर एक दिन का भी इधर से इधर हुआ तो हम खाल खींच कर खुद मर देंगे। चलो यहां से। आ गई शामत, पिट गया बेचारा। उनको तो गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई बात होनी ही चाहिए। जाओ दुर्गा, नमस्ते करके आओ। नहीं माता जी, इस वक्त बहुत गुस्से में मालूम होते हैं। संकटा तुम ले जाओ छोटे को। लो भाई, मैं कोई फालतू हूँ? सारा गुस्सा मुझी पर उतर जाएगा। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। कब आया है ये तार? सुबह आया हुजूर। तो अब तक क्यों नहीं दिया? भूल हो गई हुजूर। क्यों भूल हुई? कैसे हुई? क्या बात है, क्यों नाराज हो रहे हो? किसका तार है? नमस्ते पिताजी। अरे तू भी आ गया? हाँ बहू भी आई है। अच्छा अच्छा। ओहो, हमारे मंझले भाई साहब का तार है। क्या लिखता है? लिखते हैं कि मैं नहीं आ सकता, वेरी सॉरी। राजन को हमने ज्यादा पढ़वा कर नाफरमान बना दिया है। और मजे की बात तो यह है पिताजी कि दो लफ्ज मुबारकबाद के भी नहीं लिखे। आप पे तेल न डालो संकटा, ऐसी कोई खास वजह होगी, वरना मेरा राजन ऐसा नहीं है। आप हमेशा उसकी बेजा तरफदारी करती हैं। मुझे तो ये दोनों कम पढ़े लिखे पसंद हैं कि शादियां हो जाने के बाद भी इंतहाई फरमाबरदार हैं। शुक्रिया पिताजी। अरे तुम लोग बातें ही बनाते रहोगे या जलसे की तैयारी भी करोगे? जाओ मेहमान आते ही होंगे। हाँ। जाओ। अब तो आपको इस कदर गुस्सा आने लगा है कि कोई भी बात याद नहीं रहती। सालगिरह के मेहमान आते ही होंगे, कपड़े बदल लीजिए। हाँ, 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 अच्छा भगवान आपको रहती दुनिया तक सलामत रखे। शुक्रिया। जाइए, मेहमान इंतजार करते होंगे। Thank you.
आँखों से पानी बरसता है भरी भर साथ में एक घर का जलना देखते जाओ भरी भर साथ में एक घर का जलना देखते जाओ निगाहें लड़ते ही दिल का मचलना देखते जाओ निगाहें लड़ते ही फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। खुदा आपकी उम्र 100 साल की करे और हम सब इसी तरह सालगिरह के जलसे में शरीक होते रहे। शुक्रिया। आमीन, मुबारक हो। अच्छा राजा साहब, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। आप अभी तशरीफ नहीं ले जा सकते डॉक्टर साहब, आपसे तो बहुत बातें करनी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए, यूरोप और अमेरिका का सफर कैसा रहा? खूब सैरें की आपने तो। सैरें तो बेशक बहुत कुछ की, मगर राजा साहब इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी और अमेरिका जाने से मेरी आंखें खुल गई। हमारी डॉक्टरी ने इतनी तरक्की की है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। नए एक्सपेरिमेंट, नई दवाइयां, नए तरीके। अगर तरक्की का यही आलम रहा तो कुछ दिनों के बाद इंसान मौत के लिए तरसने लगेगा। वो क्या तरक्कियां हैं डॉक्टर साहब? इंसान की बहुत सी बीमारियों का इलाज अब आग, भाप, हवा और पानी से भी हो सकता है। अगर मेरा बड़ा लड़का संकटा ज्यादा पढ़ लेता तो मैं डॉक्टरी तालीम के लिए उसे जरूर यूरोप भेजता। हाँ, मुझे अब याद आया, आपके मंजले साहेबजादे मिस्टर राजन कहाँ है? वो बेटा राजन, खुश रहो। राजा साहब अपनी सालगिरह में तुम्हारे शरीक में होने से बहुत नाराज है। मेरा कहना मानो तो जल्द से जल्द आ जाओ या अपने ना आने की कोई माकूल वजह लिखो। तुम्हारी माताजी। पिताजी, माताजी ने राजन को खत भेज कर बुलाया है। हाँ पिताजी। कस के बांधो। सुना आपने? सुना आपने? राजन आ रहा है, राजन आ रहा है।
और कस के बांधो। राजन हैं? मैं आपसे कह रही हूँ राजन आ रहा है। सुन रहा हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो खुद नहीं आ रहा है बल्कि खत भेजकर बुलाया गया है। माताजी मैं इम्तिहान में फर्स्ट पास हुआ हूँ। मैं सबकी जाऊँ अपने लाल के चेहरा कितना उतर गया है मेरे बच्चे का। अब मैं तुझे घर से नहीं जाने दूंगी। बस काफी हो गई पढ़ाई। भगवान का दिया हुआ सब कुछ घर में है फिर तुझे किस बात की फिक्र है? इल्म की तजुर्बात की। माताजी मैं जानता हूँ कि हमारे घर में दौलत इज्जत सभी कुछ है मगर तालीम की कमी है। बड़े भाई के बारे में तो आप जानती हैं और छोटे साहब भी यूं ही रह गए। छोटा आ गया है गुलबरेले से थोड़े दिनों में बाप बनने वाला है। अच्छा माता जी आपने खत में क्या लिखा था? क्या? कि पिताजी मुझसे नाराज हैं। छोड़ो इन बातों को तुम तो जानते हो उनके मिजाज को। जितने बूढ़े होते जाते हैं गुस्सा उतना ही जवान होता जाता है। अच्छा चलो उठो नहाओ कपड़े बदलो बहुत थके हो। हाँ आ गए नाथ साहब। वाह 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 वाह। भाई साहब भाभी जी भी हैं। माता जी देख ली बदतमीजी यानी सलाम और नमस्ते दोनों गायब। अरे भूल गया होगा। जाओ बेटी तुम नहा लो जल्दी जाओ। भूल गया होगा। संकटा तुम हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। अभी अभी तो आया है और तुमने झगड़े शुरू कर दी। नहीं माता जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बदतमीज मेरी कभी इज्जत नहीं करता। हाँ हाँ माता जी देखिए ना अपने आप को बड़े लाट साहब समझते हैं मुझे भी नमस्ते नहीं की। हाँ बेवकूफ तुझे उसे नमस्ते कहना चाहिए। वो बड़ा है तुम छोटे हो। ओह मैं छोटा वो बड़े। वाह गाड़ी कहाँ लेकर गया था और किसके हुक्म से? पिताजी वो लाड साहब राजन प्रसाद तशरीफ ले आए हैं। ओहो कितना मगरूर हो गया है यानी मुझे नमस्ते तक नहीं किया। जब उसे बाप की परवाह नहीं तो बड़े भाई की क्या परवाह हो सकती है? पिताजी वो तो ये भी कहता है कि मुझे पिताजी की दौलत की कोई जरूरत नहीं। मेरा इल्म मेरी दौलत है। हाँ, मैं हाँ, पिताजी से ज्यादा दौलत पैदा कर सकता हूँ। हाँ हाँ पिताजी मेरे सामने कहा था। देखिए ना वो अभी तक आपसे मिलने तक नहीं आया जो है कितना मगरूर हो गया है। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है बेटे। भोजन तैयार है सरकार। चलो बच्चों खाना खाएं। खाओ बेटा। खैरियत है साहब राजन अभी आता ही होगा। खाओ जी। आओ बेटा। नमस्ते पिताजी। माफ कीजिएगा मैं इम्तिहान के आखिरी पर्चे की वजह से रुक गया था इसलिए आपकी सालगिरह में शरीक न हो सका। भाई साहब सिर्फ इतनी सी बात के लिए आप पिताजी की सालगिरह में शरीक न हो सके? राजन अब बड़े आदमी हो गए इन्हें हमारी क्या परवाह और हमारी सालगिरह की क्या खुशी। ये बात नहीं है पिताजी तालीम इंसान की जिंदगी का पहला फर्ज है और उस फर्ज के लिए हर आदमी को बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरे मेरे ख्याल में सालगिरह के दिन खुशी के बदले दुनिया वालों को अफसोस करना चाहिए कि उस दिन जिंदगी का एक साल कम हो जाता है। वाह रे फिलोसोफर। खाना खा लो बेटा। इम्तिहान मेरे किस्मत का फैसला था पिताजी। तो अब आपको अपनी किस्मत का फैसला मालूम हो गया? जी हाँ पिताजी अब मुझे दुनिया में सिवाय भगवान और किसी की मदद की जरूरत नहीं। भगवान ना करे अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो हाजिर हूं। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ पिताजी। तो इसी वक्त अपने पैरों पर खड़ा हो जा नालायक गुस्ताख।
जब तुझे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं तो हमको भी तेरी कमाई की कोई परवाह नहीं। राजा साहब आप खामोश रहिए, भूत के पांव पालने ही में नजर आ जाते हैं। सिर्फ इम्तिहान पास करके तू इतनी धौंस डाल रहा है, अगर कहीं नौकर चाकर हो गया तो न मालूम क्या करेगा। तू अपनी किस्मत का फैसला सुन चुका तो हमारा फैसला भी सुन ले। आज से राजा सरज्वाला प्रसाद तुझे अपने खानदान से खारिज करते हैं। तुझे या तेरी औलाद को हमारी जागीर और जायदाद में से एक पैसा नहीं मिलेगा। जा अपनी किस्मत के पास जा, आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके। आप कहां जा रही हैं? अभी आती हूं। राजा मैं बिल घर में नहीं रह सकता, हर घर नहीं रह सकता। अरे दुर्गा जी जी, मौका अपने फेवर में है, जल्दी आ जा, जल्दी चलिए चलिए। ये तुम क्या कर रहे हो राजन? वो तुम्हारे पिता हैं और तुम तो उनका मिजाज जानते ही हो, उन्हें तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है। माता जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जो कुछ कहा सच कहा। चलो उनसे माफी मांग लो। माफी? माफी किस बात की? झूठ न बोलने की खुशामद न करने की? यह खुशामद भाई साहिबान ही को मुबारक हो। संगया हम खुशामद यहां कमी नहीं। संगया ये क्या बदतमीजी है? हट जाइए माता जी, अब इसकी यह हिम्मत। लाओ हमारी बंदू, कहां है वो? हम उसे जान से मार डालेंगे। आपने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं भी इसका जवाब दे सकता था, मगर मगर क्या, हम जाहिर हैं। भाई साहब निकालिए इसे बाहर। रख दे ये सब सामान, ये कोई तेरी कमाई का नहीं है, हमारे पिताजी का है। निकलो यहां से। चलो चलो दुर्गा निकालो, चलो निकल जाओ, निकलो। इंसान बनो, इंसानियत सीखो। जा जी बड़े आए थे लाल साहब बनकर इंसानियत सिखाने वाले। जब पिताजी के न हुए तो भाइयों के कैसे हो सकते हो? अगर शरीफ हो तो जिंदगी भर सूरत ना दिखाना। क्या देखते हो आंखें फाड़ कर? नहीं नहीं हट जाइए मेरे रास्ते से। हरगिज़ नहीं हटूंगी, राजन से पहले मुझे गोली का निशाना बनाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गलती पर हैं? जी हाँ, आप खुशामद और गुस्से में गलती कर रहे हैं। राजन बड़ा नेक लड़का है। खामोश रहिए, हम आज से इस महल में उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। उसे दुनिया में लावारिसों की तरह जीने दीजिए। कदम पर हवा बुरी है, कहीं पे कांटे कहीं छुरी है, दिल के जख्म सिए जा, दिल के जख्म सिए जा, जिए जा जिए जा। जल के रहना ही होगा, जल जल
के रहना ही होगा, दिल पे सितम सहना ही होगा, खून के घूंट पिए जा, खून के घूंट पिए जा, जिए जा जिए जा। कुछ काम न ले, दुख ले ले, दुख ले ले, आराम न ले, अपना काम किए जा, अपना काम किए जा, जिए जा जिए जा। मिस्टर राजन प्रसाद, आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई। दक्कन सरकार रियासत के बेकार जंगलात कटवा कर जमीन को हमवार कराना चाहती है ताकि अनाज ज्यादा से ज्यादा तादाद में पैदा हो। फिलहाल आपकी तनख्वाह 150 रुपए हाली होगी। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। जरा लिखो तो 6.6 लाओ जरा कॉपी तो लाओ तो। सिनेमा वाले हो? फिल्म उतार रहे हो? फिल्म हिसाब पैमाइश कर रहा हूँ, सरकारी हुक्म है। माँ बदौलत ने तो कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। जी आपने? नहीं तो क्या तुम्हारे बाप ने? जरा जबान संभालिए। तुम अपनी आंखें संभालो ताकि दूसरों को जबान संभालने की जरूरत ना पड़े। ये जमीन हमारी है और तुम्हें इसकी पैमाइश का कोई हक नहीं। मगर सरकारी नक्शे में तो ये जमीन सरकारी है। हरगिज नहीं, हमारे मुंशी जी के नक्शे में ये जमीन हमारी है। सरकारी नक्शा कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी कोठी पर आओ, नक्शे से नक्शा मिला लो और चाय भी पी लेना। देखो यहाँ से थोड़ी दूर जाकर दाहिने हाथ की तरफ एक निहायत खूबसूरत कोठी दिखाई देगी, वो हमारी है। अच्छा फिर मिलो। नक्शा तो खैर मिला ही लेंगे लेकिन लगे हाथ मुफ्त की चाय जरूर पियेंगे। क्यों मुंशी जी, कुछ थके वैसे मालूम होते हो? हाँ जी छोटी सरकार, बहुत थक गया हूँ जी। लेकिन आज मैं मान ही गया कि हमारी छोटी सरकार वाकई माँ बदौलत है। एक ही डांट में चौगान भूल गया लड़का। सच मुंशी जी या? हाँ जी छोटी सरकार, बिल्कुल सच। मगर मुंशी जी,
आपने अपना नक्शा अच्छी तरह देख लिया था ना? भला छोटी सरकार, मुंशी तोता राम छोटी सरकार के मास्टर और उनसे गलती? तौबा कीजिए, तौबा तो तौबा कीजिए, तौबा। ये देखिए, ये आपके गार्डन की हद है और ये दरख्त सरकारी है। मुंशी जी जरा अपना नक्शा दिखाना। जी छोटी सरकार। जो है सो है, देखी। मैं तो देख चुका मुंशी, अब आप अपने ऐनक उतार कर रुमाल से साफ करके देखिए कि बाग की हद और ये दरख्त आपके हैं या सरकारी है। मुंशी जी, छोटी सरकार, मैं तो हैरान हूँ, ये हमारे दरख्त इधर से उधर कैसे सरक गए? जो है सो है, आप कोई जादूगर तो नहीं? जी हो, आप जादूगर हैं और आप बुधन। जो है सो है, खामोश रहिए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्यों शर्मिंदा होती हैं? दुनिया में यही हुआ करता है, बड़े आदमियों के कान होते हैं, आंखें नहीं होती। अच्छा नमस्ते। ठहरिए मिस्टर राजन। मिस्टर राजन, अब आपको हमारे साथ चाय पीनी पड़ेगी। इस तकलीफ की क्या जरूरत है? चलिए चलिए। मुंशी जी, आप जरा घोड़ा पकड़े रहिए। जी छोटी सरकार, वो लात तो नहीं मारेगा? आइए। सरकारी घोड़ा भी बिगड़े दिल मालूम होता है। मुंशी जी। जी। ओ, ये घोड़ा किसका है? सरकारी अफसर। सरकारी अफसर? हाँ, अंदर गए हैं, छोटी सरकार में चाय पिलाने ले गई हैं। किसके हुक्म से? जो है सो है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, बल्कि मैंने छोटी सरकार को मना भी किया कि बड़ी सरकार आएंगी तो खफा होंगी और चाय में शक्कर भी फजूल सरफ होगी। आप बिल्कुल बूदम हैं। हो। आप हमारे घर के पुराने मुलाजिम हैं। हो। आप शानी के मास्टर हैं। हो। क्या यही तरबियत है आपकी? हो। आपको शानी का अतालीक बनाया गया है ताकि उसे जमाने की ऊंच नीच से बचाएं। हो। मिस्टर राजन, आपके नाम और चेहरे से मालूम होता है कि आप किसी बड़े खानदान के चराग हैं। आपका दौलत खान? जी मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, न मेरे पास दौलत है न घर। माँ बाप भाई बहन? आपके सवाल ने मेरी छाती पर एक घूंसा मार दिया। मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे बाजू मेरे माँ बाप और उसकी कुव्वत मेरे भाई बहन है। मालूम होता है दुनिया वालों ने आपको बहुत सताया है। दुनिया तो सभी को सताती है, मगर अपने ऊपर भरोसा रखने वाले, अपने पैरों पर खड़े होने वाले उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि जीना तो पड़ेगा। आपके बड़े अच्छे ख्याल आते, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। आपकी कोठी बड़ी शानदार है। चलिए मैं आपको अपनी पूरी कोठी की सैर कराऊं। चलिए। आई शानी। कौन माता जी? आइए। देखिए माता जी, आप हैं मिस्टर राजन प्रसाद, जो दक्खन सरकार की तरफ से जंगलात साफ करने के अफसर बनाकर भेजे गए हैं। आप हैं मेरी माता जी, हैदराबाद की हुई थी। नमस्ते। आप बड़े शरीफ आदमी मालूम होते हैं, मगर चाल चलन कुछ शरीफाना मालूम नहीं देते। जी मेरा मतलब यह है कि शानी किसी की बेटी है, कोई लावारिस नहीं है। आपको बगैर मेरी इजाजत
मेरी बेटी से मेलजोल का क्या हक है? ये सवाल तो आपको अपनी बेटी से करना चाहिए। मैं जबरदस्ती आपके घर में नहीं आया, दावत देकर बुलाया गया हूँ। मगर ये मेजबान खुद मुख्तार नहीं है। अगर आपको मेरा आना नागवार हुआ है तो मैं चला जाता हूँ। नमस्ते। माता जी, आपने एक चोट खाए हुए दिल को आज बिल्कुल ही तोड़ दिया। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सालाना इम्तिहान करीब है और यहां दावतें हो रही हैं। जो है सो है, भटकुरदार मिजाज कैसे हैं। अरे कुछ कहो तो सही भाई। अरे वाह, माता जी मैं तो राजन को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता। न जाने वो कहां है, क्या कर रहा है। आप तो खामखा घबरा रही हैं, दो चार दिन इधर उधर ठोकरें खाकर चला आएगा। जी हाँ माता जी, राजा साहब जख्मी हो गए। दौड़ो दौड़ो, राजा साहब जख्मी हो गए। राजा साहब तो गोली लग गई। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बंदूक में कारतूस भरा हुआ था, राजा साहब साफ कर रहे थे, बस बंदूक छूट गई। अरे कोई तोड़ो। अरे अरे मैं उठाओ तो, कोई बिस्तर पकड़ लेता हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक्सीडेंट हुआ लेकिन गोली आर पार निकल गई। डॉक्टर साहब, भगवान न करे कोई खतरा तो नहीं। ये मैं आज नहीं कह सकता श्रीमती जी, 24 घंटे गुजरने के बाद बताऊंगा। खून बहुत ज्यादा निकल गया। डॉक्टर साहब, क्या राय है डॉक्टर साहब? हालत बहुत, आज की रात गुजर जाए तो किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। क्या कर रहा है भाई साहब? मैं तो थिएटर गया था, आप यहां क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं? सोच ये रहा हूं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, अगर पिताजी को कुछ हो गया तो 3 हिस्से बराबर हो जाएंगे। अच्छा ही है, एक हिस्सा राजन को मिल जाएगा, बेचारा ऐश करेगा, मजे करेगा। अगर 2 हो सकते हैं तो 3 हिस्से क्यों हो? सुन बेवकूफ, पिताजी राजन से नाराज हैं, हमें इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए और अपने नाम वसीयतनामा लिखवा लेना चाहिए। मगर गुरुजी, पुलिस ने कहीं हमको धर लिया तो मेरी बीवी का क्या होगा? चुप बेवकूफ, सन मुरीद।
पानी। कोई मेरे राजन को भी खबर कर देता। नहीं नहीं, मैं उस नाफरमान की सूरत भी देखना नहीं चाहता। राजा साहब। संकटा। जी पिताजी। वकील को बुलाओ। दुर्गा तुम जाओ और जल्दी से वकील साहब को बुला लाओ। डैड जल्दी खाना निकालो, बड़ी सख्त भूख लगी है मुझे। बहुत अच्छा हुजूर। और सुनो पानी पहले पिला के गिलास। हजूर अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुक्म बनाऊ राजन पाशा, कल 10 बजे सरकारी दफ्तर में हाजिर हो जाओ। न जाना मुझसे क्या गलती होगी जो कल 10 बजे दफ्तर में बुलाया गया। जी कुछ नहीं, जल्दी खाना लगाओ। लिहाजा ये वसीयत नामा बदरुस्ती होश व हवास खमसा बसबात अकल बिला जबर इकराह बहक संकटा प्रसाद व दुर्गा प्रसाद तहरीर करके रजिस्टरी करवा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। राजा सर ज्वाला प्रसाद, लीजिए दस्तखत कीजिए। और मेरे राजन के लिए? कुछ नहीं, एक नाफरमान औलाद के लिए कुछ नहीं। मिस्टर राजन प्रसाद, दक्कन सरकार आपके काम से बहुत खुश हुई, आज से आपको अफसर आला मुकर्रर करती है और 50 रुपए तनख्वाह में तरक्की देती है और जंगलात का दौरा करने के लिए ये जीप कार भी देती है। आई थैंक यू वेरी मच सर। जो आगरे में जमुना नदी के किनारे वापस, क्या मोहब्बत इस कदर पायदार है जिसके 4 हर्फ एक खैरफानी शाहकार बन सकते हैं। क्या आज भी ऐसी ही सच्ची मोहब्बत हो सकती है? जरूर हो सकती है। इंसान मर जाता है लेकिन मोहब्बत नहीं मरती, जैसा कि ताजमहल से जाहिर हो रहा है। नजरों में समाने से करार आ न सकेगा, तुम पास नहीं दिल कोई बहला न सकेगा।
सकेगा। हाँ, नजरों में समाने से करार आ न सकेगा। टकराएंगे हम सर कभी दीवार से दर से, राजा साहब आप जिंदा जरूर बच गए हैं, मगर आपको बड़ी एहतियात से अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अपना रवैया बिल्कुल बदलना होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, जोश और खरोश, ज्यादा कामकाज, ज्यादा चलना फिरना, सब आपके लिए मुजर है। और गुस्सा तो कभी ना कीजिएगा। देखिए श्रीमती जी, मैंने जो कुछ समझाया है आप ख्याल रखिएगा। दवा बदस्तूर रहेगी और हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास हाल भिजवा दीजिएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। ये सब क्या है? ये मालगुजारी का हिसाब है, कुछ मुकदमों के फैसले और कुछ अपीलें दायर करना है। अरे इस वक्त इन चीजों की लाने की क्या जरूरत थी संकटा? राजा साहब अभी मैंने आपको समझाया है, अगर आपने इन सब उलझनों में अपने आप को डाला तो मुझे डर है आप अपनी जान खो बैठेंगे। बेशक डॉक्टर साहब, फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान, जान है तो जान है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आज से आपकी सलाह पर अमल करूंगा। संकटा और दुर्गा दोनों को सारा काम सौंपे देता हूँ, दोनों के नाम मुख्तारनामे लिखे देता हूँ। दुर्गा गुलबर्गे का काम संभाल लेगा और संकटा हैदराबाद का। मुझे क्या फिक्र है, मेरे दो जवान बेटे मौजूद हैं। और तीसरा भी तो मौजूद है। है नहीं, था, अब वो हमारे लिए और हम उसके लिए मर चुके। जो माले या
अपनी जिंदगी में मरने न दूंगा, जो यादगार बनाने की जरूरत पड़े। तुम? ये तो मैं किसी शायर की गजल का शेर पढ़ रही थी। आप किसी गजल का शेर पढ़ रही थी और मैंने आपको अपना कॉल सुना दिया। कहिए, मुजरिम हाजिर है माँ बदौलत के हुजूर में। आज माँ बदौलत खुद ही मुजरिम है और ये सोच रहे हैं कि अपने जुर्म का जुर्माना किस तरह अदा करें। आप और मुजरिम? हाँ। मगर मेरे ख्याल में आप नहीं, मुजरिम मैं हूं। नहीं, हम जरूर मुजरिम हैं। अगर माँ बदौलत आपको अपने घर ना बुलाते तो आपकी बेइज्जती ना होती। बेइज्जती क्या हुई, माताजी ने अपना फर्ज अदा किया। सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं। सच पूछे तो बेइज्जती, रुसवाई, जिल्लत, बदनामी, ये सब मोहब्बत के सर्टिफिकेट है। मुझे बदकिस्मती से अभी एक ही मिला है, बहुत से और बाकी हैं। तो इसके ये माने हुए कि मोहब्बत दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक चीज है? नहीं शानी, मोहब्बत भयानक नहीं है, बल्कि दुनिया वाले इतने भयानक हैं कि मोहब्बत को भयानक बना देते हैं। वरना मोहब्बत दुनिया के लिए और दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई गई है। मोहब्बत के सिवा दुनिया में और रखा ही क्या है? पृथ्वीराज संयुक्ता में बड़ा प्रेम था वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पृथ्वीराज संयुक्ता में बेटी, पृथ्वीराज और संयुक्ता के प्रेम के सिवा और दूसरा कोई सबक नहीं है जो याद किया जाए। माता जी, मैं हिस्ट्री में बहुत कमजोर हूँ और कल हिस्ट्री का पर्चा है। पृथ्वीराज संयुक्ता में बड़ा प्रेम था और हम दोनों एक दूसरे को वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अच्छा अच्छा, इतनी मेहनत कर रही हो कि खाना भी भूल गई। लो थोड़े से फल खा लो, लो ये खा लो। है, कौन लाया है? वही मुंशी तोताराम। मुंशी तोताराम। अच्छा ये लो। छी, लो ये सेब खा। ओहो
जाओ। अच्छा ना खाओ। ओहो, 12 बज गए। चलो बेटा, चलो सो। चलो मेरी अच्छी बेटी, चलो सो। अरे कोई है? आज ये सब नौकर कहां मर गए? आपके बड़े साहबजादे साहब ने सिवाय एक नौकर के सबको अलग कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने इस साल माल गुजारी बढ़ा दी, इसलिए खर्च कम कर दिया है। अच्छा भाई, जो कुछ करते हैं करने दो। सुनिए, आपने मुझे गुलबर्गा जाने की इजाजत तो दी है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि आपको ऐसी हालत में छोड़ के जाऊं। नहीं, जरूर जाओ, उसके यहां पहली उम्मीद है। भगवान हमें जान सा पोता दे। लेकिन आप? मेरी बिल्कुल फिक्र न करो, मैं अब ठीक हूं। जरा सी कमजोरी बाकी है, वो भी जाती रहेगी। दूसरे संकटा और बड़ी बहू तो मौजूद ही है ना, मगर अपनी खैरियत का रोजाना एक खत लिखती रहना। आप भी अपनी खैरियत लिखते रहिएगा। हाँ हाँ। नमस्ते पिताजी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। चलिए माताजी, ट्रेन का वक्त हो गया है। अच्छा जाओ। नमस्ते। जीते रहो। अच्छा पिताजी, चले जाओ। चलिए जल्दी चलिए। नमस्ते संकटा, राजा का ख्याल रखना और उनकी खैरियत लिखते रहना। बहुत अच्छा माता जी। कहीं देर ना हो जाए, माता जी ने थोड़ी देर की इजाजत दी थी, अब मुझे इजाजत दीजिए। मेहमान आता है अपनी मर्जी से और जाता है दूसरों की मर्जी से। थोड़ी देर जलसा देख लीजिए, पहुंचा दूंगा। जलसा काहे का? बसंत का। मेरे जंगली भाइयों ने मुझे खुश करने के लिए जलसा किया है। आपके लिए जलसा किया है तो इसमें मेरी क्या जरूरत? इसलिए जरूरत है कि मैं अब मैं नहीं आप हैं, और आप अब आप नहीं मैं हूं। हाँ। चलिए चलिए हुजूर, गांव वाले जमा हो गए हैं, नाच शुरू होने वाला है। चलिए 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 आइए।
दुर्गा के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अच्छा? हाँ 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 भाई, लेकिन हमारे यहाँ भगवान न जाने कब जाने। अच्छा खैर, देखो शांति, मेरी सालगिरह के कार्ड कितने बेहतरीन छपे हैं। बताना। बहुत अच्छे। सुनिए, इस घर में इस कदर गंदगी फैल रही है कि मेरा तो सांस लेने को भी जी नहीं चाहता। मुझे तो डर है कहीं हम लोग बीमार ना हो जाएं। पिताजी को अस्पताल में क्यों नहीं रखवा देते? ठीक है, मैं उनका पलंग कहीं और बिछवा देता हूँ। हाँ। सालगिरह में आने वाले मेहमान देखकर क्या कहेंगे। मेरा बच्चा मुन्ना जान, मैं तो खामखा डर गया। ये तो मेरा बेटा है, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा। मुन्ना बिल्कुल मैं, नाक कान आंखें सब कुछ। अजी रहने भी दो, इसकी नाक सूखना और तुम्हारी है पकौड़ी जैसी, आंखें जैसे शरीफे के बीज। अभी इसकी शक्ल तो मुझसे बहुत मिलती जुलती। तुमने अपनी शक्ल कभी कछुए से भी मिलाकर देखी थी? हाँ, कछुआ तो मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कछुआ देखो जी, मेरी शान में गुस्ताखी मत करना, हाँ वरना मेरा बेटा तुमसे लड़ पड़ेगा। क्यों मेरे बेटे? तुम सुना दे रहे हो, चल सुनो 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 तो। देखो बेटे, दुर्गा परेशान यूँ नहीं रोया करते। मेरे बेटे चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे सामने नाचता हूँ। देखो इसको कहते कट्टे गली, धतना कट 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 धतना कट कितनी 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 कितनी। हाँ देखो मेरे बेटे, ला मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं चुप रखाऊंगा इसे। और अरे दीदी दरारा बरम पम तारे दारे 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 रम पम पम रम पम रम। इसे चुप कर मैं जानती हूँ, मगर मगर बच्चा दूध पीना, मम्मी तेरा छोटा मोटा, मम्मी तेरा मोटा। ये क्या शोर मचा रखा है? जानते हो ये मेरी पूजा का वक्त है। आपकी पूजा को देखूं या बच्चे की जान को? रो रो कर जान दिए देता था मेरा बच्चा। बच्चे की जैसी आदत डालोगी वैसे ही पड़ेगी बहू। हमारी आदत तो खराब है ही, कोई अच्छी आदत वाली बहू ब्याला ही होती। बहू आग लगे बहू को, झाड़ू फिरे इस घर में, निगोड़ा मरता ही नहीं जो मेरा पीछे छूट जाए। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ है जो आए दिन मेरा खून पानी हो जाता है। अरे अरे अरे, तुम तो रोने लगे, वैसे ही तुम तो कमजोर हो। माता जी आपको तो मालूम है डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, अगर इनकी जान को कुछ सदमा पहुंचा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। माताजी देखिए ना किस कदर ये दुबली हो गई है। चुप रहो चुप रहो। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं पूजा कहीं और कर लिया करूंगी। ये संकटा है जो सबको खिलाता है, यारो ये संकटा है जो सबको खिलाता है, देखो कमाया किसने है और कौन उड़ाता है।
क्या है? राजा सर ज्वाला प्रसाद, माता जी भी अजीब है, रोज एक खत लिख देते हैं। ड्राइवर गाड़ी गैरेज में रखो। नमस्ते। कौन बोला रहा हूं? राजा साहब, ये नई गाड़ी खरीदी है क्या? माफ करना, मैं बिल्कुल ना पहचान सका, मुझे जो नीची हो गई। जमाना बदलने से तो पहाड़ धस जाते हैं भोला राम, इंसान की मुझे क्या चीज है। कहो, तुम्हारी दुकान तो ठीक चल रही है? जी हाँ, किराया हर महीने दे जाता हूँ, सब अनाज भर रखा है, जितना जी चाहे मंगा लीजिएगा। जरा अपनी एनक देना। खत तो पढ़ दो भोला राम, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अजगुल बरगा, श्री राजा साहब नमस्ते। ये खत मैं नौकर की कोठरी में बैठकर लिख रही हूं। मच्छरों के मारे सांस लेना भी दूभर है। बहू और बेटे के दुखड़े क्या बयान करूं। ये खत पढ़ते ही मुझे तार भेज कर बुलवा लीजिएगा। वो दोनों हैदराबाद आ रहे हैं, उनकी किसी बात का यकीन ना कीजिए, फकत आपकी दासी। ये खत किसका है राजा साहब? ये खत कल्लू नौकर का है, उसकी बीवी को बहू और बेटे ने परेशान किया है। तुम जाओ भोला राम, जाओ। नमस्ते राजा साहब। अब हम लोग इस काबिल रह गए हैं। हम किसी काबिल हैं कि हमारी इज्जत की जाए? क्यों नहीं? शांति, आज दुर्गा और उसकी बीवी दोनों आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होना चाहिए कि बाग की फसल 5,000 रुपए में बिकी है। मैं उसे 2,000 बताऊंगा बस। लेकिन उन्होंने रसीद देखी तो? अरे इसीलिए तो मैंने 2,000 रुपए की रसीद दी है, बाकी 3,000 तो मैंने भाई वैसे ही लिए हैं, समझ जाओ। तिजोरी की चाबियां। नमस्ते मेरे ईमानदार बेटे, नमस्ते। ओ पिताजी, आइए आइए। इसे पढ़िए, ये खत उस माँ का है जिसने अपना खून पिलाकर आपको पाला है। मां के लिए नौकर की कोठरी और बाप के लिए मोटरखाना।
तो फिर क्या हुआ? मामूली बात है, माताजी ने भी आपकी तरह गंदी फैलाई होगी, इसीलिए दुर्गा ने उन्हें नौकर की कोठरी में रख दिया। दुर्गा पागल नहीं? हाँ, पागल न वो है न तुम, पागल तो हम खुद हैं जो खुशामद और चापलूसी में आकर खरे और खोटे की परख न कर सके। खैर, लाओ तिजोरी की चाबियां लाओ, आज से अपना कारोबार हम खुद संभालेंगे। तिजोरी और जायदाद का इख्तियार अब आपको नहीं पिताजी, हमको है। आपको जो दुनिया में करना था वो कर चुके, सीधी तरह से घर में पड़े रहिए, ज्यादा हवस अच्छी नहीं होती पिताजी। खाना और कपड़ा हमेशा मिलता रहेगा, बस आओ जी शांति। चले। कमीने, दौलत के लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। तू समझता है कि सारी जायदाद तेरे कब्जे में आ चुकी है और हम तेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पागल हो और अदालत में पागलों की सुनवाई नहीं होती। कमीने, तेरा ख्याल गलत है। तू अपने धर्म की अर्थी जला चुका है। तू समझ रहा है कि कानून, भगवान, अदालत सब के पास से इंसाफ चला गया है। मैं अभी जाकर इंसाफ का दरवाजा खटखटाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी अदालत इस जायदाद को तेरे पास रखती है और कौन सी अदालत से दीवार को पागल बनाती है। अब तुम उस हद तक नहीं जा सकते जब तक कि मैं तुम्हें पुलिस के हाथों गिरफ्तार न करा दूं। कमीने, पुलिस बात कर रही है, पुलिस। दुर्गा, तुम अच्छे वक्त पर पहुंच गए, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। भाई साहब, पिताजी का देहांत कैसे हुआ? अरे भाई, उन्होंने मुझसे तिजोरी की चाबियां मांगी, मैंने देने से इनकार कर दिया। इसी बात पर वो इतना चिल्लाए कि सारा महल सर पर उठा लिया, यहां तक कि वो अपने आप को संभाल न सके और सीढ़ियों से गिरकर जान दे दी। दुर्गा, ये तो तुम जानते ही हो कि डॉक्टर साहब ने उन्हें गुस्सा करने को मना किया था। अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूं। इससे पहले कि इल्जाम हम पर आए, हमें सुनो,
देखो शानी, आज हमारी ही मिलन की रात नहीं बल्कि चांद और तारे भी मिल मिलकर गा रहे हैं। मगर ये मिलन तो थोड़ी देर का है, अभी सुबह होगी और सब जुदा हो जाएंगे। ऐसा ना कहो शानी, मैं दुनिया की मुसीबतें बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस अब मुझे जाने दो, सुबह हो रही। इतनी जल्दी कैसे सुबह हो सकती है? अब भी तो रात हुई थी शानी। जुदाई की रात पहाड़ बन जाती है और मोहब्बत की रात बहुत जल्द कट जाती है राजन। देखो सुबह का सितारा चमक रहा है। अब मैं नहीं ठहर सकती। चमका
परेशानी, वापिस लौटो। खूब माँ बाप का नाम रोशन कर रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। जब तेरे चहीते पिता आए तब अपनी काली सूरत दिखाने को चली आना। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। निकल जा मेरे घर से। ठीक है, मैं मुंशी जी को हुक्म देती हूँ कि अभी जाएं और मदनपुर के जागीरदार के साथ शाने की शादी ठहराएं। देख लो हमको जी भर के दिलबर, कल न पलटे कहीं ये मुकद्दर, फिर न मुमकिन हो आना दोबारा, जाओ चमका सुबह का सितारा। जी पीछे जा। आपने क्यों तकलीफ की? मिस्टर राजन, तुम यहां आराम से बैठे हो, तुम्हारे हलके में खून की होली खेली जा रही है। कल फिर एक औरत, दो बच्चे, एक मर्द शेर और भेड़ियों का शिकार हो गया। मैं तो आपकी खिदमत में छुट्टी की दरखास्त भेज रहा था। मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। हमें तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम्हें छुट्टी कैसे मिल सकती है? जिंदा इंसानों की जानें बचाना हमारा पहला फर्ज है। आज कमेटी ने यह फैसला किया है कि जंगल का रास्ता शाम होते ही बिल्कुल बंद कर दिया जाए और एक चौकीदार रख दिया जाए कि कोई आदमी गुजरने ना पाए। लिहाजा तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि आज ही इसका इंतजाम करो, और अब कोई खूनी हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। बात खूब। देखो चौकीदार, ये रास्ता शाम होने के बाद इसलिए बंद किया जा रहा है कि खूंखार दरिंदों से इंसानों को बचा सके।
आज से तुम्हारी ये ड्यूटी है कि सूरज डूबने के बाद यह रास्ता बंद कर दिया जाए। हुजूर, अगर कोई सरकारी अफसर आ जाए तो? कोई भी हो, अमीर गरीब अदना आला, यहाँ तक कि अगर रियासत के वजीर आजम भी आए तो यह रास्ता नहीं खुलेगा। ये राजन का हुक्म है और यही सरकारी हुक्म है। ये रेडियो किसने बंद किया? शर्म करो, क्या दुनिया का खून इतना सफेद हो गया है? अरे कमबख्त, तो साल न महीना न हफ्ता, आज तो उन्हें गुजरे हुए तीसरा ही दिन है। अभी तो वो जमीन भी ठंडी नहीं हुई होगी जहां तुम्हारे बूढ़े बाप की अर्थ जलाई गई है और तुम शहनाइया बजा रहे हो, खुशियां मना रहे हो। छोड़ो माता जी, ये सब पुराने ख्याल है, रोना धोना सब ढकोसला है। चलिए भाई साहब, आपकी बारी। अच्छा, हाँ। डूब मरो नालायक को, बेवा माँ की छाती पर लात मारकर बाप की जली हुई धूल उड़ाते हो। आज अगर मेरा राजन होता तो मेरी हालत कभी नहीं होती। तो क्यों नहीं चली जाती राजन के पास? ठीक तो है माता जी। हाँ। मुझे अगर उसका पता मालूम होता तो मैं तुम लोगों की सूरत भी नहीं देखती। अब तो मैं उसी बाग में अपनी जिंदगी गुजारूंगी जहां मेरे सुहाग के फूल जलाए गए हैं। और अगर राजन का पता चल गया तो मैं उसे लेकर यहां चली आऊंगी। मगर याद रखिए माता जी, अगर आप उस नालायक राजन को लेकर आई तो आपके लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पता गिराओ। मेरे लिए तो किस्मत ही ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तुमने मां का दिल दुखाया है। सुखी रहो। अरे दुर्गा। हाँ। वाकई चली गई है? हाँ। रास्ता बंद हो गया, शाम हो गई, सरकारी हुक्म है। नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे जरूरी काम है। नहीं माँ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हमारी नौकरी जाती रहेगी, राजन बाबू बड़े अफसर हैं। राजन, राजन, तब तो मैं जरूर जाऊंगी। नहीं माँ, परसों चार इंसानों को शेर और चीते खा गए, तुम्हें डर नहीं लगता? छोड़ पगले, वो माँ जो औलाद के हसरत में मौत से नहीं डरती, वो शेर और चीते से क्या डरेगी? मैं जरूर जाऊंगी। माँ, माँ जी, ठहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं माँ जी,
शेर और दैन्य आपको फाड़ खाएंगे, मैं नहीं जानूंगा। मैं नौकरी जाती हूँ। महाराज सवाल ऐसे ही वो बदमाश राजन आए और मैं इशारा करूं सबके सब मिलकर हमला कर देना, मुंह मांगा इनाम दूंगी। जो है सो है, सब बड़े ही मजबूत है, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। हाजिर हो गए, देर हुई, माफी चाहता हूं। मालूम होता है आज चांद आसमान से निकलने के बदले जमीन से निकला है, मगर शानी मैं ये सोच रहा हूं कि ये चोरी कब तक चलेगी। अगर तुम्हारी राय हो तो मैं खुद माता जी के पास चला जाऊं और अपनी अर्जी पेश कर। नहीं राजन, हमारी यह हसरत कभी पूरी न होगी। माताजी मेरी शादी मदनपुर के जागीरदार के लड़के से करना चाहती हैं। तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद मुख्तार नहीं, किसी की बेटी हूं। तो मुझे अपनी नरगिसी आंखों का शिकार इसलिए बनाया था कि मैं जिंदगी भर सुलग सुलग कर जलता रहूं? राजन, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैं तुम्हें चाहती हूं और जिंदगी भर चाहती रहूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है? यह तो मैं तुम्हारे ही सामने नहीं बल्कि भगवान के सामने भी कह सकती हूं। तो आओ मेरे साथ भाग चलो। राजन, शानी हम दोनों की उजड़ी हुई जिंदगी आबाद हो जाएगी। मैं बड़ी धूम से तुम्हारे साथ शादी करूंगा। राजन, अगर तुम्हारा प्रेम शादी करने से पूरा हो सकता है तो तुम्हें प्रेम नहीं हवस है। जो प्रेम शादी होने से पूरा हो जाए वो ख्वाहिशात का धुआं है जो हवाओं में फैलकर लापता हो जाता है। शानी, जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही तुम नेक भी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था जिसमें तुम्हारी माताजी खुश हो। तुम्हें वही करना चाहिए। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं और आज से और भी ज्यादा प्रेम करूंगा। और अगर किसी दूसरे से तुम्हारी शादी होगी तब भी मैं तुम्हें प्रेम की देवी समझकर तुम्हारी पूजा किया करूंगा। अच्छा, नमस्ते। खैर हो? नमस्ते माता जी। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम किस खानदान से हो और तुम्हारे मां बाप कहां हैं? पिताजी का तो देहांत हो गया है, माताजी जिंदा है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता कि मेरा खानदान दक्कन में काबिल फख्र माना जाता है।
धन दौलत इज्जत खिताब सब कुछ दखन हैदराबाद में। मैं अफसर जंगलात हूं, 200 रुपये माहवार हाली पाता हूं। हम तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए और अब तुम्हें अर्जी देने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत रात गुजर चुकी है, मुझे अपने कैंप तक पहुंचना है। कैंप? तब तो तुम्हें खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती होगी, कौन पकाता होगा जंगल में? एक नौकर रख ली है जो खाना पका देता है, खा लेता हूँ। नहीं नहीं, कल से तुम्हारा खाना यहाँ से जाया करेगा। इस तकलीफ की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। नमस्ते माता जी। जीते रहो। बहादुर अब तुम जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जो है सो है। जाओ जाओ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। जाओ जाओ, जो है सो है। राजन, राजन, राजन! राजन कहाँ हो बेटा? राजन, राजन! कौन गिरा? कोई बेचारी है, ये तो बेहोश हो गई है। मुंशी जी चलो अंदर ले चलो। उठाओ बेटा। सदा से कांपने लगते थे।
कुछ भी नहीं कह रही है रात अंधेरी। कुछ यहाँ जो एहसान आपने मुझ पर किया है उसे मैं जिंदगी भर न भूलूंगी। बहन सदा इंसान के दिन एक से नहीं रहते। आपकी बातों से पता चलता है कि आप जरूर कोई अमीर घराने की हैं और मुसीबत ने आपका ये हाल बना दिया है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं। जवान लड़का घर से लड़कर चला गया, उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक चली आई। बहन आप इत्मीनान से हमारे घर रहिए, चंद रोज में हम अपनी शानी का ब्याह करेंगे। एक ही तो लड़की है, ठहर गई शादी। बहुत सी पैगाम आए थे मगर एक लड़का मुझे पसंद आ गया। बड़ा अच्छा लड़का है, बड़े अमीर घराने का है, बराबर की टक्कर है। अगर कोई ऐसा वैसा होता तो मैं अपनी शानी का ब्याह हरगिज ना करती। मखमल में मखमल का जोड़ लग गया है। जरा देखना तो बेटा घोड़े पर कौन आया है। खैर तो है, क्यों क्या बात है? जरा दरवाजा खोलिए। वही आए हैं, बहुत घबराए हुए मालूम होते हैं। जाओ जाओ देखो तो क्या बात है। आओ बहन मैं तुम्हें दूल्हा दिखाऊं। चलो शानी। क्यों क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? शानी मेरे एक अजीज बीमार होकर आ गए हैं, मुझे हॉट वाटर बैग चाहिए। शानी आप बैठे, मैं बिलाती हूँ। आइए ये बैठे। बेटा राजन। नमस्ते माता जी। क्यों खैर तो है? जी हॉट वाटर बैग की जरूरत पड़ गई थी इसलिए आया था। अच्छा अच्छा, देखा बहन दूल्हा के चेहरे से रियासत टपक रही है। भला अगर किसी गरीब का बेटा होता तो मेरा दामाद बन सकता था। वाकई बड़ा अमीर मालूम होता है। लीजिए। शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलूं। नमस्ते। नमस्ते। कितनी अच्छी जोड़ी है। क्यों बहन, अरे आप रोने क्यों लगी? शायद आपको अपना बेटा याद आ गया होगा। जी हाँ, मेरा बेटा भी हूबहू ऐसा ही है। चलिए
चलिए आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। राशन, राशन। गरीबी भी क्या बुरी चीज है कि एक माँ अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकती। पिताजी, पिताजी, पिताजी बिल्कुल बेहोश है। दयाल, तुम पिताजी का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर खान को लेने जाता हूं। बहुत अच्छा हुजूर। दयाल, जरा ख्याल रखना। मुझे तुम्हारे पिताजी के इंतकाल का बहुत सदमा हुआ। क्या करूं, मैं किसी काम से बाहर चला गया था, वरना ताजियत के लिए जरूर आता। डॉक्टर साहब, हम आपको एक तकलीफ देने के लिए हाजिर हुए हैं। जी हाँ, एक सर्टिफिकेट की जरूरत है कि राजा साहब आपके जेर इलाज थे और उनका इंतकाल हो गया, ताकि इन लोगों को सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने में आसानी हो और बैंक का रुपया जल्दी मिल जाए। हाँ हाँ जरूर, मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है, मैं भी लिखे देता हूँ। शुक्रिया। लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। राजन, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? डॉक्टर साहब, पिताजी उनका तो इंतकाल हो गया, अभी मैंने सर्टिफिकेट लिख कर दिया। डॉक्टर साहब, पिताजी जिंदा हैं। जिंदा? ये कैसे हो सकता है? ये मैं कुछ नहीं बता सकता। अब जल्दी चलिए, पिताजी बेहोश पड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब प्लीज। जिंदा? डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, लंग्स, हार्ट, पल्स बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, राजा साहब। पिताजी, 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 देखिए डॉक्टर खान साहब आए, देखिए पिताजी, पिताजी, पिताजी। माताजी आप? राजा साहब। अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया। आप रोइए नहीं श्रीमती जी, आप इन्हें सेक कीजिए और ये दवाई आध आध घंटे के बाद इन्हें दीजिए, ताकि इन्हें काफी गर्मी पहुंच जाए। इधर आओ राजन। क्या बात है डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं। राजन, मुझसे वो गलती हो गई है जिसे दुनिया तो क्या अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। ठीक है, मगर पेमेंट के लिए आपको थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाख रुपए हैं। जी हम लोग बाहर ठहरे? नहीं नहीं, यहीं तशरीफ रखिए।
अब तो बहुत देर हो गई मैनेजर साहब। ओ अच्छा, तैयार है साहब। चलिए रुपए ले लीजिए। हेलो, ओके आइए। इंस्पेक्टर साहब, यही हैं वो दोनों। गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्यों, हमने क्या किया है? सब मालूम हो जाएगा। चलो चलो, आप छोड़ो। देखिए मिस्टर भोलाराम, अगर आपका बयान जरा भी उलट पुलट हुआ तो याद रखिए, झूठी गवाही के जुर्म में आपको सजा हो जाएगी। सजा? अरे वकील साहब, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, ये गवाही किसी दूसरे से दिलवाओ। अरे भोलाराम साहब, ये सब बहुत आसान सवाल है। मसलन मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि बताइए राजा साहब कैसे मर गए? कैसे मर गए? लो ऐसे मर गए, राम का नाम लेकर। यूं नहीं। अरे यूं नहीं तो वकील साहब जैसे कहो वैसे मर गए। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। देखो वकील साहब, ओल फोल बकों को हम तुम्हारी बिल्कुल गवाही नहीं देंगे। क्या समझते हो? देखो ये चौपड़ी, रोज का 1000-2000 का जमा खर्च करता हूँ। हाँ हाँ भोला राम साहब, आपको और आपके पिताजी को भला कौन नहीं जानता। ऐसा बोलो। देखो वकील साहब, जो तो गवाही हमसे दिलवाना है सब इस चौपड़ी में लिख दो, हम रात भर में रख लेंगे। अच्छा आ? मगर ख्याल रहे इस डायरी को कचहरी में न लाना। अरे साहब, हमको क्या बेवकूफ समझा हुआ? नहीं साहब। बैरिस्टर साहब, ये मुकदमा फिर से क्यों शुरू हो रहा है? आपके भाई राजन ने बयान हल्फी लगाकर मुकदमा चीफ कोर्ट में मुंतकिल करा दिया, इसलिए रीओपन होगा। फिर क्या होगा? घबराने से कुछ ना होगा। हाँ ये तो बताइए, आपने अपने पिताजी की चिता खुद अपने हाथों से जलाई थी? जी हाँ बैरिस्टर साहब, बल्कि चिता पर पेट्रोल डाल दिया गया था। तब तो जरूर आपके मंझले भाई ने जायदाद लेने के लिए फर्जी बाप बनाया है। जी, मुर्दा जिंदा हो गया। सर ज्वाला प्रसाद, जिनका वाकया आजकल शहर भर में सनसनी पैदा किए हुए है, आज फिर चीफ कोर्ट में पेश होगा और शायद आज अदालत मुर्दे को पेश होने का हुक्म देगी। सब हैरान है कि क्या होगा, वाकई राजा साहब मरने के बाद फिर जिंदा हो गए या कोई जायदाद हड़प करने के लिए फर्जी राजा बन बैठा। ख्याल है कि आज चीफ कोर्ट में इतना मजमा होगा कि लोगों को सांस लेना दुभर हो जाएगा। डॉक्टर खान। देखिए डॉक्टर साहब, आप सेशन कोर्ट में शहादत दे चुके हैं, वो आपको याद है? मैंने सही वाकयात शहादत की सूरत में बयान किए हैं और सच्ची बात इंसान कभी नहीं भूलता। लेकिन आपके पास इसका क्या सबूत है कि राजा साहब अभी जिंदा है? इंसान की जिंदगी का सबूत सांस, हार्ट, लंग्स और दिमाग, इन सब चीजों से मिलता है। चुनांचे राजा साहब की सब चीजें दुरुस्त है और सही तौर पर काम दे रही है। आपको यकीन है? बेशक मियाद, यही सवाल मुझसे पहली अदालतों में किया गया है। मगर डॉक्टर साहब, आग में पूरा जिस्म जला देने के बाद वही इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? ये कौन सी साइंस है? नई रिसर्च से पता चला है कि आग, पानी और हवा, ये कुदरती चीजें भी इंसान को क्योर कर सकती हैं। जैसे कि राजा साहब का वाकया है, मिलाड, उस रात को आंधी, तूफान और बारिश थी और इन सब चीजों ने मिलकर राजा साहब के ब्लड पर असर किया, और चूंकि उन पर फाले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के कम होने से गिर पड़ा था, वो बच गए और आग बुझ गई। मिलाड, एग्जिबिट बी में मुल्जिमों के बयान से पता चलता है कि वो लोग लाश को आग पर रखकर तूफान की वजह से वहां से चले आए। प्लीज लेट मी आस्क वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए डॉक्टर साहब, आपके बयान के मुताबिक राजा साहब अच्छे हो गए। बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। यार मी लॉर्ड, अभी आप कह चुके हैं कि अच्छे हो गए। नहीं बैरिस्टर साहब, मैंने कहा है बच गए। चूंकि आग, पानी और हवा का पूरा असर नहीं हुआ, लिहाजा अभी कुछ बीमारी बाकी है। मी लॉर्ड,
मेरे लर्नेड फ्रेंड मिस्टर दास ने सब शहादतें सुनी सुनाई पेश की हैं। कोई गवाह इस वक्त तक चश्मदीद नहीं पेश किया है, ये सब मनगढ़ंत है। और मझले बेटे को जायदाद में हिस्सा दिलवाने के लिए ये झूठा मुकदमा और फर्जी राजा साहब बनाए गए हैं, वरना दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती कि इंसान आग में जला दिया जाए और फिर बच जाए। मिलॉर्ड, एक और मिसाल भी मौजूद है, बंगाल का सन्यासी मर्डर केस, मुकदमे की पूरी कार्रवाई और ऑनरेबल जजों के फैसले। उसकी लाश भी जला दी गई थी और फिर जिंदा साबित हुआ। हो गया होगा एक वाकया, मगर ये कोई कुदरत का फार्मूला नहीं कि हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये सब सच है तो आज तक इन्होंने उस शख्स को अदालत के रूबरू क्यों नहीं पेश किया? यस यस मिस्टर दास, आपने राजा साहब को क्यों नहीं पेश किया? अगर अदालत उनकी कुर्सी हाजिर होने की इजाजत दे तो राजा साहब पेश हो सकते हैं। ग्रांटेड। मिलॉर्ड, मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिमों को बहुत से कैदियों के साथ अदालत में पेश किया जाए ताकि सही तौर पर इंसाफ हो सके। एग्रीड। आप बोल नहीं सकते। लिख तो सकते हैं। यस मिस्टर पांडे, कार्रवाई शिनाख्त से पहले मैं कोई सवाल करना नहीं चाहता। इस फर्जी राजा की शिनाख्त के लिए मैं एक ऐसा गवाह पेश करता हूं जो मरहूम सर ज्वाला प्रसाद को मुद्दत से जानता है और बरसों से किराए पर दुकान में रहता है। भोला राम गवाह। भोला राम गवाह हाजिर है। भोला राम गवाह हाजिर है। हाजिर है साहब, हाजिर। ये बागीचा नहीं अदालत है। चपरासी साहब देखो, इज्जत है। हाँ इज्जत, चलो ये इज्जत है। नमस्ते। ऑर्डर ऑर्डर। नमस्ते लाल साहब, क्षमा करना, आज पहली पहल कचहरी में दाखिल हुआ हूँ। साहब भगवान का कसम सच कहूंगा, झूठ तो हमारे पिताजी ने भी नहीं बोला, हम कैसे बोलेंगे। चलो भगवान का कसम सच कहूंगा। चलो, तुम्हें मालूम है कि राजा ज्वाला प्रसाद कैसे मर गए? कैसे मर गए? जैसे शिव मरते हैं। फिर भी मेरा मतलब यह है कि बीमार थे। ये तो शायद किसी डॉक्टर से पूछिए, हम तो इतना जानते हैं कि मर गए राम भरोसे, राम का नाम लेकर। तुम क्या जानते हो हजूर लाल साहब? हम तो इतना ही जानते हैं, 8 रुपए का 2 शेर, अड़ूस की दाल 2.25 शेर, बाजरी 3 शेर, चना आदमियों के लिए 2.25 शेर, घोड़ों के लिए 3 शेर। इस मुकदमे में तुम क्या जानते हो? तुमने खुद देखा कि राजा साहब मर गए? जी नहीं, देखा नहीं, सुना है। तुमने सुना? ऑलराइट, घबराओ नहीं, ठीक तरह से जवाब दो। लाल साहब कृपा करके हमें छोड़ दो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। चुप रहो, इधर देखो, इनको जानते हो? खूब भाई खूब, चेहरा मोरा तो बिल्कुल वैसा ही है मगर मुझे जरा झुकी फर्जी है सब फर्जी। तो ये वो राजा नहीं है? जी वकील साहब, वकील साहब, जैसे कहो वैसे कह दो, सूरत तो मिलती। इनसे क्या पूछते हो? हमारी तरफ देखो और सोच समझ के जवाब दो। सोच समझ के? जी चुप रहो जी।
नीचे क्या देखते हो? ऊपर देखो। मिलॉर्ड, इट्स अ मेड अप विटनेस, ये झूठा गवाह है। भोलाराम, ये किताब क्या है? इसमें क्या लिखा है? जी, इसमें छपगवाई लिखी है जो रात भर हमने दी है, हमारे वकील साहब ने हमको दी है। क्यों वकील साहब? मिस्टर पांडे। यस मिलॉर्ड, चूंकि ये एक बेवकूफ आदमी है इसलिए मैंने अपने सवालात इसकी डायरी में नोट करा दिए थे, लेकिन मैंने इस डायरी को अदालत में लाने के लिए नहीं कहा था। ऑल राइट, इसे हिरासत में रखो। लाजम मेरा कोई कुछ नहीं है वकील साहब। और मुलजिमों को पेश किया जाए, सच और झूठ का बिल्कुल पता चल जाएगा। दुनिया का कोई शख्स किसी को बगैर जाने बूझे नहीं पहचान सकता। यही है मेरे दोनों बेटे, जो इस वक्त अपना मुंह छुपा रहे हैं। यही है वो दोनों नाखलफ औलादें जिन्होंने अपने जिंदा बाप को चिता पर जलाया था। योर लॉर्डशिप, मुझे जो तकलीफें पहुंची है मैं उसी काबिल था। खुशामद और चापलूसी में आकर एक हकदार का हक भेड़ियों को दे रहा था, सांपों को। डॉक्टर खान साहब की गवाही और राजा साहब के बयान को सच समझकर फैसला कर दिया। संकटा प्रसाद 20 साल सजाए सब, दुर्गा प्रसाद 20 साल सजाए सब और भोलाराम गवाह झूठी शहादत देने के जुर्म में 2 साल सजाए सब।